हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन। इन अ प्रैक्टिकल सेशन हम देखेंगे नेटबिक्स के ऊपर नॉर्मल एक सिंपल प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे फॉर एन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कि किस तरह से हम सब्जेक्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं एंड उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नेटबिन्स। ओके, सो नेटबिन्स जो प्रीवियस वाला था उसको क्लोज करते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है ऑप्शन है दैट इज एन फाइल्स। फाइल्स के ऊपर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, सो दैट इज एन फाइल्स। सो गोइंग फॉर अ फाइल्स। फाइल्स के अंदर हमें क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, न्यू फाइल। ओके, इन न्यू फाइल्स क्लिक करने के बाद कि न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। इन अ न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट जावा एक्स, जावा वेब्स। जावा वेब के अंदर आपको सिलेक्ट करना है दैट इज अन वेब एप्लीकेशन। इन अ वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट एन नेक्स्ट। देन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देते हैं फॉर स्टूडेंट डेमो। इन अ स्टूडेंट डेमो वी सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन स्टूडेंट डेमो। यहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहिए, तो स्पेस देने के बाद ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर लेगा, अदरवाइज स्टूडेंट डेमो। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके एंड फिनिश। ओके, फिनिश करने के बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपका जो वेब पेज है उसका कोडिंग यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इंडेक्स डॉट एक्सटीएमएल फाइल। ओके, टू डू सप्लाई, यहाँ पे हम टाइटल चेंज करते हैं। नॉर्मल एचटीएमएल का कंसेप्ट तो सभी को पता होगा, सो इसको चेंज करते हैं, दैट इज एन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जो टाइटल हमारा चेंज हो जाएगा, एज अ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमें टाइटल मिल जाएगा। देन बॉडीज के अंदर हमें क्या करना है, बॉडी को चेंज करना है। ओके, सो जो डिवीजन होगा उसके अंदर का कंटेन हम चेंज करेंगे। सो डिवीजन के अंदर कंटेन हम क्या डालने वाले, फॉर्म। ओके, सो ये फॉर्म। ओके, सो इज अ टेस्ट सेशन, टेक्स्ट सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। सो फॉर्म हमें क्या करना है, स्मॉल में यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करने देते थे, एक्शन एक्शन इन द सेंस क्या होगा, जो सर्वलेट का नाम, ओके, नेम ऑफ द सर्वलेट। ओके, तो नेम ऑफ द सर्वलेट हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, लाइक थोड़ा सा जूम करते हैं इसके ऊपर। सो नेम ऑफ द सर्वलेट यहाँ पे क्या होगा, हम नेम ऑफ द सर्वलेट देंगे, एक्शन इज इक्वल टू स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट सर्वलेट, स्टूडेंट सर्वलेट एज ए नेम यहाँ पे पास ऑन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्टूडेंट होगा वो क्या कर सकता है, मतलब जो सर्वलेट का नाम हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज स्टूडेंट सर्वलेट देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सेकेंड हम देखें, दैट इज अ मेथड इक्वल टू गेट। गेट मेथड हम यहाँ पे देंगे। देन नॉर्मल क्या क्या कंटेंट होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट आईडी होगा आपके पास, किस सबके पास, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या फील्ड्स उसके अंदर होते हैं, नेम, एड्रेस। ओके, एक एक कीवर्ड के अकॉर्डिंगली हम वैल्यू दे सकते हैं, जो भी वैल्यू है वो। देन एड्रेस के बाद ये होता है पिन कोड। ओके, पिन कोड के बाद क्या होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक और एक ऐड करते हैं, जस्ट लाइक स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट आईडी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। देन कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी सब लाइक सब डिजिटल हो गए तो हमें कॉन्टेक्ट के लिए चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए स्टूडेंट का, ईमेल आईडी। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये लेबल के फॉर्म में हो गया, सो एक स्पेसिफिकली टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें ये सभी वैल्यू को फेच करने के लिए। सो उसके लिए हम लेंगे इनपुट, देन नेक्स्ट एक टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, देन नेक्स्ट नेम दैट इज एन एस आई डी, जैसे कि जो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली नेम हम पास ऑन करने वाले वही नेम हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड देन लास्ट में यहाँ पे देंगे दैट इज अ ब्रेक। एचटीएमएल के अंदर आपने देखा होगा ब्रेक स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट लाइन, अदरवाइज वो एक सेम लाइन के ऊपर ही आपको पूरा कोड
दिखाई देगा। ओके सो देन नेक्स्ट हो गया इतना, देन उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर देते हैं एस आई डी, एस नेम, एस एड्रेस, ओके एस पिन कोड, देन एस कॉन्टैक्ट, इन द सेंस जो आपके टेबल के अंदर आप डाल सकते हो डेटाबेस के अंदर नेक्स्ट में, उसके अकॉर्डिंगली अभी से हम उस आदत लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे। ओके देन लास्ट टाइप दैट इज अन बटन, बटन हमें चाहिए सो दैट इज अन सबमिट, सबमिट बटन यहाँ पे हम लेंगे। ओके देन यहाँ पे आपको क्या कंटेंट डालना है, ओके डालना है या सबमिटेड डालना है, आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो बटन का नेम वहाँ पे आ जाएगा एंड इफ क्लिक हम सबमिट, देन वो सबमिट डेटा हो जाएगा। ओके ये हमारा हो गया नॉर्मल एक्सटीएमएल फॉर्म। तो किस तरह से फॉर्म विजिबल होता है तो देखते हैं। सो सिंपल आपको क्या करना है, इसको सेव करना है तो बाय यूजिंग कंट्रोल एस, अदरवाइज आप इसको सेव कर सकते हैं वाया कि कंट्रोल एक्स से सेव करो या डायरेक्टली यहाँ पे जाके कंट्रोल सेव ऑप्शन कर सकते हो। ओके हमने कंट्रोल एक्स कर दिया, इसके लिए यहाँ पे सेव ऑप्शन चला गया। देन नेक्स्ट इसको भी रन किस तरह से करना है हमें, फॉर रन करने के पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट डेमो के स्टूडेंट डेमो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड इसको रन करेंगे। रन करने के बाद जैसे लाइक आपको यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट क्या है आपका, देन नीचे भी देखो कि जैसे लाइक कि जो रन हो रहा है ग्लासपी सर्वर डिप्लॉयमेंट सब प्रोसेस एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पेज आ गया फॉर एन सबमिशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। कि जैसे कि इसको हम और अट्रैक्टिव कर सकते हैं बट वो बाद में का फीचर से हम वो बाद में देखेंगे किस तरह से इसको और अट्रैक्टिव सी एस एस वगैरह वो एक्सटेमल के अंदर आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। सो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, एक वेब पेज हमारा क्रिएट हो गया। देन नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर सर्वलेट क्रिएट करना है। फॉर एंड सर्वलेट सेम स्टूडेंट डेमो के ऊपर राइट क्लिक करना है हमें एंड क्लिक ऑन न्यू सर्वलेट। ओके सो स्टूडेंट डेमो क्लिक न्यू सर्वलेट। ओके देन सर्वलेट होने के बाद क्लिक करो, सर्वलेट का विंडोज आपके सामने आ जाएगा। तो सर्वलेट का नाम हमें क्या देना है, याद है स्टूडेंट डेमो जो हमने लास्ट टाइम दिया था। सो इफ किसी को प्रॉब्लम होगी याद रखने के लिए या केस सेंसिटिव डेटा होगा तो सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना है, ये कंटेंट कॉपी हो गया आपको मैसेज भी दिख रहा होगा। देन अगेन ओपन अ सर्वलेट, यहाँ पे वो नेम पेस्ट कर दो। सो जो डेटा चेंज होने के या कोई एरर आने के चांसेस ही नहीं मिलेंगे। देन नेक्स्ट फिनिश, ये दैट इज फिनिश हो जाएगा आपका सर्वलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट यहाँ पे हम देखो जैसे कि गेट मेथड यहाँ पे कॉल किए, गेट मेथड हम यूज करें। सो यहाँ पे भी सेम हमें जो गेट मेथड है हमारा कि जैसे स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको गेट मेथड मिल जाएगा। जैसे पेज लाइन नंबर 58 यहाँ पे आपको गेट मेथड मिल जाएगा, तो उधर ही आपको सिर्फ चेंज करना है गेट मेथड। जैसे यहाँ पे आपको क्या करोगे, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन यहाँ पे आप लिखोगे, एक्शन परफॉर्मेंस जो भी आपको एक्शन लिखने सब एक्शन आप यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो। सो क्या क्या एक्शन हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे तो याद है आपको बताया था लास्ट टाइम कौन कौन से एक्शन आपको यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। सिंपली इसके अंदर हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो फर्स्ट एक्शन दैट इज अ रिस्पॉन्स, कौन कौन से क्वेरी, ये 5 या 6 लाइन का कोड है इसके अंदर भी। रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, ये सब के लिए सेम होने वाला है कंटेंट। तो ये याद रखो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप इक्वल टू एच टी एम एल एंड टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट स्लैश एच टी एम एल। देन नेक्स्ट कि हमें
एक स्पेसिफिकली रिजल्ट डिस्प्ले करना है, सो प्रिंट राइटर, देन उसका ऑब्जेक्ट दैट इज आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेन कर दिया हमने, सो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड हम कॉल करेंगे सेमी कोलन. ओके दैट इज यहाँ पे हमारा कंटेन हो गया. कि अभी हमें क्या करना है कि एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है. ओके तो कमिंग सेशन में आपको याद रखने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम HTML पेज या यूजर कस्टमर जो भी है. ओके उससे वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, पेज करनी है कि जितने भी अभी तक हमने वैल्यू पास करेंगे वहाँ से यहाँ पे फेच कर लेंगे. तो वैल्यू फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग. ओके तो कौन कौन से, SID इज इक्वल टू क्या, देन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर एंड इसका नाम क्या हमने दिया था, दैट इज द SID सेमीकोलन. ओके सिमिलर जितने भी नंबर्स ऑफ है आप वन बाय वन देख के भी कर सकते हो. जस्ट लाइक एक ओ लुक करते हैं, हम सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट. ओके देन नेक्स्ट हमें कौन सा करना है, SID हो गया, नेम, नेम के बाद था हमारा एड्रेस, एड्रेस के बाद पिन कोड के बाद था शायद से कॉन्टैक्ट एंड लास्ट अगेन फॉर एन ईमेल. ओके ऐसे ही थे, सिमिलर वैल्यू देखते हैं यहाँ पे SID है तो ये हमें चेंज करने विथ रिस्पेक्ट टू सेम वैल्यू. तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू लिख सकते हैं. स्प्लिट करने का ये एक बेनिफिट है इसके अंदर कि हम वैल्यू वन बाय वन देख सकते हैं. तो सिंपल उसको ड्रैग करना पड़ेगा स्प्लिट करने के लिए, वैल्यू चेक करने के लिए. ओके अदरवाइज इतना प्रॉब्लम नहीं, इफ आपने कोड लिखा होगा पहले से तो कोई इशू नहीं. ओके वन बाय वन कंपेयर करो इसके अकॉर्डिंगली, मल्टीपल्स वैल्यू है क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके चेक करेंगे. तो मेन क्या है कि आपका स्ट्रिंग का वैल्यू चेंज हो गया कोई इशू नहीं, वो हम कंसीडर कर सकते हैं या प्रोग्राम भी कंसीडर कर सकते हैं चेंज वैल्यू. बट जो आप रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर कि कौन से पैरामीटर्स की वैल्यू आपको फेच करनी है वो आपको गलत होके फायदा नहीं. ओके नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट एंड लास्ट ईमेल, ये एक भी वैल्यू गलत हो गई सो आपका आउटपुट वहाँ पे नहीं आने वाला. तो उसके लिए जितने भी वैल्यूज है चेक करो गेट पैरामीटर्स के अंदर आप जो पास कर रहे हैं एंड XTML के अंदर आपने जो वैल्यू पास किए तो उसके बाद ही आपका जो भी आउटपुट होगा वो प्रॉपरली आने वाला है. SEmail, SContact, SPINCode, SAddress, SName एंड SID. ओके कंप्लीटली चेक देन उसको सेम इसमें वापस ऐड करते. सो यहाँ पे हो गया हमारा आधा प्रोग्रामिंग कि हमने वैल्यू ले लिया. देन नेक्स्ट क्या करेंगे, हम उसको डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द वैल्यू. भी डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा नेक्स्ट दैट इज आउट हमने वेरिएबल क्रिएट किया है डॉट प्रिंट एंड यहाँ पे जो मैसेज होगा या वैल्यू होगी आपको डिस्प्ले करनी. ओके सो यहाँ पे नंबर्स ऑफ डेटा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट ln. ओके फर्स्ट इसमें सिंपल करते हैं, सेकंड से ln करते हैं. सो फर्स्ट इज द स्टूडेंट आईडी इज या स्टूडेंट आईडी ऐसा भी एरो दिखा सकते हो आपके अकॉर्डिंगली किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है एंड प्लस सिंबल एंड SID जो स्ट्रिंग अभी हमने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली. देन नेक्स्ट दैट इज एन स्टूडेंट नेम सेकेंड वाला फील्ड, तो सेकेंड नेम स्टूडेंट नेम
सेकेंड देते हैं स्टूडेंट नेम एस आईडी, तो एस नेम उसको चेंज करते हैं एंड चेंज द प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, प्रिंट एल एन न्यू लाइन, जैसे लाइक एच टी एम एल के अंदर हम ब्रेक करते हैं फॉर ए न्यू लाइन, यहाँ पे हम क्या कहेंगे प्रिंट एल एन, सेम पेस्ट जितने कंटेंट है उतने बार कर सकते हो, इससे थोड़ा सा टाइम सेव हो सकता है, बट आप फॉर एन प्रैक्टिस पर्पज जितने भी है उतने टाइम्स करो। पिन कोड देन कॉन्टैक्ट लास्ट टाइम दैट इज एन ईमेल, ओके हो गए। सो सिमिलर यहाँ पे हमें चेंज करने हैं हमारे टाइप, नहीं तो एक ही नाम दिखेगा सब जगह पे, ईमेल कॉन्टैक्ट पिन कोड, ये नाम चेक करो आप किसके सामने क्या लिख रहे हो, अदरवाइज वो क्रॉस चेक क्रॉस हो जाएगा सब, ओके हो गया। देन सिंपल सेव करो उसको बाय देन कंट्रोल एस, और डायरेक्टली यहाँ से भी उसको सेव कर सकते हो, ओके सेव हो गया। देन राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, रन इट, ओके थोड़ा सा इंटरफेस पता है हमें अच्छा नहीं हुआ, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा इंटरफेस के ऊपर हम जो आपके एच टी एम एल और वेब डिजाइन की डिजाइनिंग के ऊपर है। सो वन टू नेम इज ए जे, ओके मेरा ही कर देता हूँ। देन एड्रेस एज अ वाशी, पिन कोड याद नहीं मुझे, तो पिन कोड रैंडमली, इन कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस अजय @gmail.com, यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं कुछ नहीं, हम सिर्फ रैंडमली वैल्यू यहाँ पे इंटर करें। देन क्लिक ऑन सबमिट, यहाँ पे देखो सब वैल्यू वन बाय वन डिस्प्ले हो रही है, सिंपल इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन रन, आफ्टर रन आपको ये इंटरफेस आ जाएगा, वैल्यू इंटर करेंगे रैंडमली, कुछ भी वैल्यू इंटर करो यहाँ पे चलेगा, कोई इशू नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैलिडेशन वगैरह असाइन नहीं किया है, रैंडमली वैल्यू यहाँ पे इंटर करते हैं, आफ्टर इंटरिंग द वैल्यू यहाँ पे देखो जस्ट लाइक क्लिक करते सबमिट के ऊपर आपका जो आउटपुट है आपके सामने आ जाएगा, और जस्ट लाइक जितने भी नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स हमने इंटर किए थे सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए वन बाय वन, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। इट जस्ट लाइक यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर आया जस्ट लाइक स्टूडेंट एड्रेस यहाँ पे नल दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एस एड्रेस एड्रेस, ओके यहाँ पे देखो जस्ट लाइक स्पेलिंग गलत हो गई है हमारी, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी ये सक्सेसफुली वर्क नहीं होता। इसको सेव करते अगेन, इसको रिफ्रेश करके एक बार ट्राई करते बैक, रिफ्रेश अगेन, सबमिट, ओके अभी देखो जैसे लाइक नाम आ गया, पहले नल आया था क्योंकि हमने नाम गलत दिया था, फिर उसके अकॉर्डिंगली ओके इसको आप अच्छे से टेबल फॉर्मेट में दिखा सकते हो। सो एंड देन और एक चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट बताने कि किस तरह से वर्क होता है कि जस्ट लाइक इसका जो यू आर एल पाते आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके देखो या नॉर्मली आपको दिखने के लिए इसको थोड़ा सा नोट पैड के ऊपर हम लेते फॉर ए नोट पैड, ओके सो ये हमारा फर्स्ट जो पेज था उसका यू आर एल है, एंड देन सेकेंड जो हमारा सर्वलेट का यू आर एल कॉपी, ओके सर्वलेट की यू आर एल के ऊपर जो वैल्यू हमने पास की एज इट इज सब वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि विद इन कौन से रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली, इस तरह से जो रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट पास होने वाले है टू अ सर्वलेट, एंड सर्वलेट क्या करेगा उसके अकॉर्डिंगली डेटा प्रोसेस करेगा, ओके तो इस तरह से क्या करेगा जो एच टी एम एल पेज है उससे डेटा सर्वलेट के पास जाएगा,
सर्वलेट के ऊपर डेटा प्रोसेस करेगा, देन बैक टू द एचटीएमएल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में के अंदर हम देखेंगे कि बैक टू द एचटीएमएल हम किस तरह से आ सकते हैं, ये नॉर्मली फर्स्ट एचटीएमएल टू सर्वलेट एंड सर्वलेट के ऊपर डेटा प्रोसेसिंग करके हम उसको डिस्प्ले करें। ओके, इन द सेंस सिर्फ रिक्वेस्ट फेच करें एंड डिस्प्ले करें। नेक्स्ट इसमें हम रिक्वेस्ट भी लेंगे एंड जो रिस्पॉन्स क्या किस तरह से हो सकता है वो भी हम हमारे नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे। ओके, फिलहाल इसके अंदर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।